Rahul Gandhi, congratulations. You have broken records of commission. Sonia ji, congratulations. विश्व में कमीशन के रिकॉर्ड को आपने तोड़ा है। हाल ही में रफाल पर फ्रेंच इन्वेस्टिगेशन पोर्टल की आई एक रिपोर्ट से बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक तनातनी एक बार फिर बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल फ्रांस की मीडिया ने दावा किया है कि जब भारत में यूपीए की सरकार थी तो उस वक्त कमीशन खाई गई थी, जबकि कांग्रेस इन सारी बातों को बेबुनियाद बता रही है। क्या आपकी पॉलिटिकल हाई कमांड से किसी की बैठक सुशन गुप्ता ने कराई? इशारे तो तमाम यही हैं कि बैठक हुई है, तभी तो ये लीपापोती हो रही है, तभी तो सीबीआई डायरेक्टर को आधी रात को हटाया जाता है, तभी तो इतने कागज बरामद होने के बाद भी कोई कार्यवाही सुशन गुप्ता पर नहीं होती। इस प्रकरण में 40% के रेट से हम कमीशन लेंगे, ये कमीशन की एग्रीमेंट है, और आप झूठ बोल रहे थे इतने सालों तक। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था, उल्टा चोर चौकीदार पे बरसे। फ्रांस मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डासॉ एविएशन ने 2007 और 2012 के बीच बिचौलिए सुशेन गुप्ता को फर्जी चालान का उपयोग करके लगभग 65 करोड़ रुपए दिए थे। मीडिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि सुशेन गुप्ता ने एक शेल कंपनी बनाई थी और डासॉ कंपनी से 40% कमीशन मांगा था। सुशेन गुप्ता सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर मिला था। जांच पोर्टल ने यह भी आरोप लगाया कि सीबीआई और ईडी को रिश्वत के आरोपों के बारे में पता था, लेकिन इस मामले की जांच नहीं की गई। यह राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना, राष्ट्रद्रोह और आधिकारिक गोपनीयता के अधिनियम का घोर उल्लंघन है, उससे कम कुछ भी नहीं। ईडी ने घोटाले की जांच के लिए इन सबूतों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, हमारा यह सवाल है। राहुल गांधी, कांग्रेचुलेशन, You have broken records of commission. Sonia ji, congratulations. विश्व में कमीशन के रिकॉर्ड को आपने तोड़ा है। 40% के रेट से हम कमीशन लेंगे, ये कमीशन की एग्रीमेंट है, और आप झूठ बोल रहे थे इतने सालों तक। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था। राफेल पर एक दूसरे के हमलों के बीच राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में केंद्र सरकार के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं को जंग जारी रखने के लिए कहा। फिलहाल वीवीआईपी चॉपर स्कैम केस और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में सुशेन गुप्ता की जांच चल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 126 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए लगभग 7 साल तक डासॉ एविएशन के साथ नेगोशिएशन किया था, लेकिन इतने सालों बाद भी डील पूरी नहीं कर सकी। 2014 में जब बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सत्ता में आई तो उसने पुराने सौदे को रद्द कर दिया और 23 सितंबर 2016 को 36 लड़ाकू जेट खरीदने के लिए फ्रांसीसी सरकार के साथ एक इंटर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे।